हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन कंप्यूटर क्लासेस फॉर क्लास 9। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट। उसमें हमने डिस्कस किया था कीज ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें हमने जो उसकी कीज पढ़ी थी दैट वॉज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एक्सेट्रा। आई होप आपको वो कीज समझ में आई होंगी सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स अपने आप को मैनेज कैसे करोगे, कंट्रोल कैसे करोगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे लेके आओगे। तो नेक्स्ट बेटा आपका जो टॉपिक आता है यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटेल में आता है थोड़ा सा यहाँ पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना। ईच टाइम वी फेस अवर फियर वी गेन स्ट्रेंथ करेज कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस। कहते बहुत बार ऐसा होता है भी हम किसी फियर्स को फेस करते हैं जो हमें डर लगता है जिस चीज का, जब हम उसको फेस करके काम पूरा कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आती है, करेज आता है, हौसला आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये काम पूरा कर लिया। विद रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन पोटेंशियल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी वन कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो कहते अगर इस तरह की रियलाइजेशन हमारे अंदर आती है भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम अपनी एबिलिटी से कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारा जो वी कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया को बहुत अच्छा बेटर बना सकते हैं। वंस फेथ ऑन हिमसेल्फ और हिज कैलिबर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर शॉर्ट फॉर्म में बताना हो, अपने ही ऊपर फेथ होना, विश्वास होना, अपनी कैलिबर मतलब अपनी कैपेबिलिटी पर, एबिलिटी पर, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड पॉजिटिविटी दैट मेक्स वन रियलाइज अबाउट हिज हर वर्थ और स्ट्रेंथ। ये एक इस तरह का विश्वास है, बिलीफ है, पॉजिटिविटी है जो आप खुद अपने ऊपर करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हो कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इनहेरिटेड ट्रेट, रादर इट हैज टू बी जनरेटेड। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहेरिटेड नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है हमें दादा दादी से मिलेगा, मम्मी पापा से मिलेगा, नहीं, ये ऐसी चीज है जो खुद जनरेट की जाती है, खुद अपने आप ही हम इसको डेवलप कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो देखो ये मिरर के आगे खड़ा होकर क्या दिखाता है, वही चीज अपने आप को दिखाता है, मुझमें पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। देयर आर सम सोशल कल्चरल एंड फिजिकल फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ सोशल कल्चरल और फिजिकल फैक्टर हैं जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। तो हम वन बाई वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सोशल फैक्टर। इट इज प्री एविडेंट दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। कहते हैं हमें बहुत ही पहले इस चीज की एविडेंट मिल गई थी, सोशल जो मैन है वो क्या है, सोशल एनिमल एनिमल है। वी एक्सपीरियंस पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। हम पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन पीपल अप्रिशिएट अवर एफर्ट एंड रिस्पेक्ट अस। देखो जब हम किसी के सामने कुछ बोलते हैं, अगर वो पीपल हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमारे एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप टीचर को कुछ सुनाते हो, टीचर आपको गुड देते हैं, एक्सीलेंट देते हैं, आपको शाबाश देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इट कैन बी अंडरस्टूड सिंपली दैट व्हेन अ मैन इज इन अ कंफर्टेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही फॉरगेट हिज वीकनेस। कहते हैं ये तो कॉमन सी चीज है, जब कोई पर्सन कंफर्टेबल होता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, तो वो अपनी वीकनेस को भूल जाता है, जो भी उसकी कमजोरी होती है, फ्लॉज को, इनकैपेबिलिटीज को, रादर ही जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट्स यूजिंग हिज क्वालिटीज मोर रैशनली एंड टेक्स मोर इंटरेस्ट इन द सोशल इश्यूज टू। जब देखो स्टेज की बात ही कर लो, अगर आपको स्टेज पे स्पीच देने के लिए बोला जाए, अगर आप कंफर्टेबल हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, आपका डर नहीं है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी वीकनेस भूल जाओगे उस जगह पे जाके। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप अपनी क्वालिटीज पे ध्यान दोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। हैज द सोशल फैक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इस तरह से सोशल फैक्टर मतलब आपका एनवायरनमेंट, आपका कंफर्टेबल होना, आपका साथ देना किसी का बाहर से, है ना, ये सारी चीज सोसाइटी अगर आपको हेल्प करती है तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। अगर सोसाइटी ही आपको नेगेटिव फीडबैक देती रहेगी, तुम नहीं कर सकते, तुम तो ये हो, तुम्हारा कद छोटा है, तुम ये हो, तो इस तरह के जो फैक्टर होते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। तो इस तरह से सोशल फैक्टर हमारे कॉन्फिडेंस को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। कल्चरल फैक्टर।
इन दिस साइंटिफिक एरा वेयर टेक्नोलॉजी हैज एक्सेल्ड, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आजकल, कहती वी इंडियंस स्टिल डिड नॉट फॉरगेट अवर कल्चर, बट टेक्नोलॉजी के साथ जब हम इंडियंस हमारे कल्चर को नहीं भूले हैं आज भी, हमारी फैमिली वैल्यूज को, एथिक्स को नहीं भूले हैं, हम अपने परिवार में जैसे रूल्स रेगुलेशन है वैसे ही रहते हैं, अवर ट्रेडिशनल कल्चर होल्ड्स इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन अवर लाइफ, हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, कीपिंग और स्टिकिंग टू कल्चरल हैबिट्स और ट्रेडिशनल एथिक्स, अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम और सेल्फ रिकॉग्निशन इज फेल्ट इन पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एंड सच फीलिंग गिव्स मोर ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से जो कल्चर हैबिट्स होती हैं हमारी, कल्चरल हैबिट्स होती हैं इंडियंस में होती हैं, ट्रेडिशनल एथिक्स हैं, हमने रिस्पेक्ट करनी है सबकी, तो रिस्पेक्ट करनी है, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे अगर हमारे घर में हमें इस तरह से सिखाई गई है चीज़, तो ये जो मॉरल वैल्यूज हमारी होती हैं ये भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस देती हैं कि हम अपने रास्ते पर सही चल रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की, हमने किसी की इंसल्ट नहीं की। तो कल्चरल फैक्टर अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लास्ट है बेटा फिजिकल फैक्टर। पीपल हु हैव वेल मेंटेन्ड फिजिक, हेल्दी एंड आर प्रेजेंटेबल आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन सेल्फ एंड देयर बिहेवियर टेंड टू बी मच मोर पॉजिटिव एंड इम्प्रेसिव एज कम्पेयर टू अदर्स। ऐसे पर्सन जो हेल्दी हैं, उनकी फिजिक मतलब उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेंटेन करके रखी है और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे से आगे, कहते हैं उनका जो मेंटली वो सेट है, हेल्दी है, उनका माइंड सेट है, वो दिखने में अच्छे लगते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो उनका बिहेवियर भी सबके आगे पॉजिटिव रहता है, वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज और वर्कआउट मेक्स अस फिजिकली फिट। ऑब्वियस है, वर्कआउट करने से, आपको पता ही, फिजिकल एक्सरसाइज करने से आप फिजिकली फिट होते हो और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, आपकी इनर सेल्फ होती है जो स्ट्रेंथन होती है। दैट एनेबल्स टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वी फील स्ट्रॉन्गर फ्रॉम बॉडी एंड मेंटली टू। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, क्योंकि आप बॉडी से भी स्ट्रांग फील करते हो और मेंटली अपने माइंड से भी अपने आप को स्ट्रांग फील आप करते हो। तो इस तरह से बेटा सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल फैक्टर्स आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो टुडेज होमवर्क क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद करने हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये चारों जो नोट्स हैं आपको बुक के पेज नंबर 26 पे आपको कीज ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट जो मैंने पॉइंट करवाए थे उनमें से मिल जाएंगे, वहां से देख के आपको इसको नोटबुक पे नोट डाउन करना है और फिलअप्स बुक पे ही करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।